हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो दोस्तों, एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और मैं ड्यूटी से तो आ गया हूँ, मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया। सोच रहा था कि आज के ब्लॉग में क्या बताऊँ भाई अपने फ्रेंड को। तो चलिए, बहुत सारे फ्रेंड कमेंट किए थे कि सर ग्रुप डी के कर्मचारी को कितना एक साल में कितना छुट्टी मिलता है और किस तरह का छुट्टी रहता है, ये सब बताइए। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में यही मैं बताने जा रहा हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन होता है ना, देखते हैं साइड में लगा हुआ रहता है, जो रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा हुआ रहता है, उसके बाजू में रहता है बेल आइकन, उसको जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। छुट्टी के बारे में एक पेज पे मैं लिख लिया हूँ, उसी पे डिटेल से मैं आप सबको बताऊँगा। और दीपाली तो सो रही है अभी, देखिए उधर स्कूल से आई है दीपाली तो सो गई, क्योंकि होमवर्क भी अभी नहीं बनाई है। उठेगी तो देखिए बनाती है कि नहीं बनाती है। और दीपाली का कल छुट्टी है, कुछ हॉलीडे है, उसी का छुट्टी है। और मेरा तो ड्यूटी है भाई कल, मेरा तो मंडे का छुट्टी रहता है और 15 अगस्त को रहता है, बीच में एने चुने चाहता है तो एक दिन छुट्टी रहता है, ऐसे तो खाली मंडे को रेस्ट के दिन छुट्टी ही रहता है। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए छुट्टी का प्रकार इस तरह से मैं लिख रखा हूँ एक पेज पे। चलिए मैं डिटेल से मैं आप सबको बताता हूँ दोस्तों, कितना छुट्टी मिलता है एक साल में ग्रुप डी के कर्मचारी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सीएल है जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, हिंदी में हुआ आकस्मिक अवकाश, सीएल उसका मतलब सीएल हुआ, एक साल में 10 दिन मिलता है। और देखिए सेकंड नंबर पर अर्जित अवकाश जिसको एलएपी बोलते हैं, ये एक साल में 30 दिन मिलता है। और तीसरा नंबर पे है अर्ध अर्जित अवकाश जिसको बोलते हैं LHAP, ये 20 दिन का मिलता है। अन्य अवकाश हुआ जैसे पितृत अवकाश, कोई कर्मचारी पिता बनता है तो उसको 15 दिन का छुट्टी मिलता है, प्रथम दो बच्चों के लिए, जो प्रथम दो बच्चा होता है उनके लिए 15-15 दिन का मिलता है पूरा सर्विस में, 15-15 दिन का, जैसे एक बच्चे के लिए 15 दिन, फिर सेकेंड दूसरा बच्चा हुआ उसको 15 दिन, 30 दिन का पूरा सर्विस में मिलता है। और सेकेंड में है मातृत्व अवकाश, जो लेडीज कर्मचारी हैं रेलवे में उनको 180 दिन का छुट्टी मिलता है। ये देखिए ये केवल महिला के लिए है, जितना भी महिला कर्मचारी है रेलवे में उनको केवल 180 दिन का पूरा सर्विस में दो बच्चे के लिए मिलता है। चलिए अब फिर से एक नंबर से मैं आप सबको डिटेल से बताता हूँ सीएल के बारे में। सीएल एक साल में 10 दिन मिलता है, ये एक साल में लेना ही रहता है, इसको बचा के नहीं रख सकते हैं। जैसे एक साल में आपको मिला तो एक साल के अंदर इसको 10 दिन छुट्टी ख़त्म करना है सीएल को। और एलएपी हुआ, ये 30 दिन का मिलता है, पहले 15 दिन जनवरी में मिलता है, फिर 15 दिन जुलाई में मिलता है, 15-15 दिन, 30 दिन हुआ एक साल में। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए टोटल 30 दिन हुआ, 15 दिन पहले जनवरी महीना में मिल जाता है, फिर जुलाई महीना में फिर 15 दिन का मिल जाता है। और अर्ध अर्जित अवकाश जिसको LHAP बोलते हैं, इसको सिक भी एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सिक भी एक तरह से बोल सकते हैं, ये 20 दिन का मिलता है।
ये भी जनवरी में मिलता है, जनवरी में 10 दिन मिलता है, फिर 10 दिन जुलाई में मिलता है। ये लिखना मैं भूल गया था। अब इसका मतलब हुआ अर्ध अर्जित अवकाश का मतलब हुआ कि ये 20 दिन है तो इसका आधा दिन आप सब आपको मिलेगा, 10 दिन। इसको सिक बोलते हैं। जैसे आपका तबीयत खराब हो गया, चाहे कुछ अथी प्रॉब्लम हो गया शरीर में, तो सिक अथी जो रेलवे हॉस्पिटल होता है उसमें सिक मार सकते हैं। सिक मारने के बाद फिर डॉक्टर एक लेटर जैसा देता है, वो अपना ऑफिस में जमा करने का रहता है। तो ये 1 साल में हुआ 10 दिन, तबीयत उबियत खराब हो गया तो ये सिक मार सकते हैं, उसमें ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, LAP के बारे में फिर एक बार और फिर से बता देता हूँ। ये जैसे 10 दिन का CL हुआ तो इसको 1 साल में ख़त्म ही करना होता है, और ये हुआ 30 दिन का जो LAP हुआ, ये साल में ले सकते हैं चाहे नहीं ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1 साल में 30 दिन मिला तो 10 दिन लिए और 20 दिन नहीं लिए तो ये बैलेंस हो जाता है। ये जो LAP होता है ये भी बैलेंस हो जाता है और ये भी बैलेंस हो जाता है। जैसे कि LHAP होता है, ये 20 दिन का मिलता है तो इसका हाफ हुआ 10 दिन। 10 दिन में अगर 5 दिन लिए तो 5 दिन नहीं लिए तो 5 दिन फिर अगला साल जुट जाएगा आप सबको। ये दोनों में यही फायदा होता है, अगर लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो फिर ये बैलेंस होता जाता है। और ये CL हुआ, ये तो हर हाल में साल में इसको ख़त्म ही करना है, अगर नहीं ख़त्म किए तो फिर आपका ये CL बर्बाद हो जाएगा, फिर इसका छुट्टी नेक्स्ट साल में नहीं मिलेगा आप सबको। और CL में जैसे यहाँ पे बताता हूँ, CL हुआ जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, इसमें रेस्ट नहीं जुटता है, ना ही रेस्ट जुटता है। और जैसे होलीडे हो गया, जैसे 15 अगस्त हो गया, चाहे दीपावली हो गया, वो भी नहीं जुटता है। जैसे आपका रेस्ट 1 तारीख को है, 1 तारीख को रेस्ट हुआ, फिर 4 तारीख को अगर अथी दीपावली चाहे कोई त्यौहार हो गया, उसका NH मिलता है, ये हो गया। और आप 10 दिन का छुट्टी लेना चाहते हैं तो ये रेस्ट है, तो रेस्ट तो आपका है ही है, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा CL। 10 दिन आप गिनिए यहाँ से, 1, 2, फिर NH आ गया, NH नहीं जुटता है CL में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और देखिए ये हफ्ता में 7 दिन के बाद फिर रेस्ट आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां दिन फिर आपका रेस्ट आ गया, तो ये भी नहीं गिनती में आएगा। यहाँ रेस्ट हो गया, फिर यहाँ रेस्ट हो गया, तो ये गिनती में नहीं हुआ। फिर ये NH हो गया, NH भी गिनती में नहीं हुआ। तो आप देखिए, आप फिर से मैं गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब टोटल कितना दिन छुट्टी आपका बन गया CL में। जैसे एक रेस्ट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 दिन का छुट्टी बन गया CL में। CL का फायदा यही है कि अगर कोई त्यौहार हो गया, चाहे उस महीना में 2-3 NH आ गया, तो उस टाइम में लेने में फ़ायदा होता है। 10 दिन का CL में 12, 13, 14 दिन छुट्टी बन जाता है। CL का मतलब यही हुआ। कैजुअल लीव ये इमरजेंसी में भी ले सकते हैं। किसी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान चोट उट लग गया, चाहे हाथ में चोट लग गया, चाहे किसी तरह से ज़्यादा चोट लग जाता है, तो उसको IOD बोलते हैं, IOD। तो उसमें भी वो उसको रेस्ट मिलता है। जैसे किसी कर्मचारी को कहीं पे चोट लग गया, वो काम नहीं कर सकता है, तो IOD में वो चला जाता है, जब तक वो ठीक नहीं होता है, जब तक वो IOD में रहता है।
जैसे एक महीना हो गया, चाहे 20 दिन, तीन महीना, 4 महीना, जब तक वो पूरी तरह से अच्छी तरह से ठीक नहीं होता, जब तक वो इलाज कराता रहेगा वहीं हेडक्वार्टर में रह के। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताया कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को कितना छुट्टी मिलता है एक साल में, पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताया दोस्तों एक पेज पे लिख के, क्योंकि यार तो मेरे पास कुछ सुविधा नहीं था बताने के लिए, इसीलिए मैं पेज पे लिख के पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताया छुट्टी के बारे में, छुट्टी कैसे मिलता है, कितना मिलता है, यह सब मैं आप सबको इस वीडियो में बताया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो दीपाली आई है स्कूल से, तो देखी आई है तो सो गई है, अभी सो रही है, दीपाली का पैर दर्द कर रहा है आज स्कूल से, आज पैदल आई है, गोदी नहीं चढ़ी थी मम्मी का, पूरा जहाँ स्कूल का गेट है वहाँ से पैदल आई पूरा रूम के पास तक, कहीं भी गोदी नहीं चढ़ी थी आज दीपाली, नहीं तो मम्मी को गोदी चढ़ जाती थी, पैदल नहीं आती थी, इसीलिए आज दीपाली का पैर दर्द कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मिलेंगे, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाय दोस्तों, जय हिंद।